कैसे हो पब्लिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्लोका के बारे में, श्लोका के नए गीत के बारे में और श्लोका के ईपी के बारे में। जैसे आप सबको पता है, श्लोका का नया गाना घोषणा आ चुका है और श्लोका का यह ईपी जो कि पंचतत्व, उसका यह पहला गाना है जिसका अर्थ होता है किष्टी यानी कि पृथ्वी। और बाकी चार ट्रैक हमें जल, पावक, गगन और समीर पे देखने को मिलने वाला है। घोषणा जीवन की बातें यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर। अंधेरा हमेशा आपको, आपके एग्जिस्टेंस को थ्रेट करता है, परंतु जो विश्वास है वो, बिलीव जो है वो आपको मजबूती प्रदान करता है, जिसके वजह से आप हर जय हो जाते हैं। समझ रहे हो, काफी गहरी बात है। गाने के शब्द जीवन की सच्चाई को दर्शाने के काम किए, लेकिन कुछ शब्द जो है हो सकता है कि कुछ बार से आप विचलित हो जाएं। तो गाने को ध्यान पूर्वक सुने, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से एक बार है श्लोक के स्वर में पेश कर, यह अद्भुत सा संगीत मेरा भगवान के चरण रहा पेश कर। श्लोक वेद सा छपा है कोई देख तो मीठा के मेरी शैली का कोई भी, यहाँ एक तो दिखा दे सब झेल के बना है, बस तेज से जला दे जो भीड़े ना कोई भी, हर एक को बता दे इसे एक के बराबर ना सब मिले कर, जब लड़ना बता कर ना सब ले मना लंगर, भेड़ ना पता करे कि श्लोक कौन है, नहीं करना अनादर पढ़ लिख कर यहाँ लड़के। तन मिस बॉडी तन मन मेरा, हर कण भगवान के लिए अर्पण है। मीन्स भगवान को अर्पण मतलब होता है स्वप्न, मीन्स भगवान को ये सौंप चुके हैं और मेरे पे कोई अड़चन है, अड़चन होता है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कि अब श्लोका पे कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। और एक्चुअल में ये सभी के लिए है जो जो रिलीजियस है या जो थोड़ा भी रिलीजियस चीज को मानते हैं, उनको पता है कि बुरे वक्त में हमेशा भगवान ही साथ होते हैं, वैसे कोई होता नहीं है। श्लोका अपने आवाज में एक गाना पेश कर रहे हैं जो कि अद्भुत है, और श्लोका की शैली मीन्स उनकी स्टाइल का, उनका जो रैप करने का स्टाइल है या उनके शब्द शैली है, जैसे वो पूरी तरीके से हिंदी में करते हैं, वैसा अभी कोई नहीं है जो करने वाला। अभी हसल 2.0 में एक देखने को मिला है। श्लोका ऐसे ही श्लोका नहीं बने, बहुत तपस्या के पश्चात यह नया रूप मिला है। और कहते हैं ना कि गोल्ड को जितना तपाओ उतना वो चमकेगा, तो कुछ इस प्रकार हमें श्लोका का नया रूप देखने को मिला है कि ये सोना श्लोक से सुन के हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देख लो मंत्रमुग्ध श्लोका का प्रभाव है भाई, खुलेआम शंखनाद कर रहे हैं भाई अपने श्लोका, कह रहे हैं कि भाई अगर किसी को लड़ाई उड़ाई करना है तो सब मिलन शॉर्ट्स लेना बंद करो और सीधे जमीन पे आ जाओ, मीन्स मैदान में आ जाओ, जैसे मानो कि गदाधर भीम अपने गदा लिए कुरुक्षेत्र में खड़ा है कि भाव आज आवाज तो तुम्हारा अंत है, आज तुम खत्म। समझ रहे हो, सब धन यानी पैसे से चलता है, क्योंकि तो उस देखो इस शब्द का ना दो रेफरेंस हो सकता है कि सब धन यानी कि आज जो भी कुछ होता है वो पैसे से चलता है, कि पैसे के बिना आज कुछ कोई काम नहीं होता। मीन्स इसको कह सकते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट का फैल्यूर या करप्शन बहुत ज्यादा है, उस चीज को दिखाने का प्रयास किया गया है। और दूसरी ओर देखे तो कह रहे कि जो इनके अपोनेंट है वो, उनके पास वो ताकत नहीं कि उनके उनमें एनर्जी नहीं है वो, कि वो खड़े हो पाए उनके सामने। तो कुछ तो ये दो इंटरप्रिटेशन हमें लग रहा है कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मीन्स आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सही लग रहा है। के चमचे इन संगठनों के सब धन पे चलते ना, दमट खनों में इन्हें लड़ते देखूं किस पद के लिए, जिस पद के तख्ते बने छल कपटों से, मैं चर्चों से घूम रहा हूं हम वतनों में, और वर्षों से चुना रहा धन शब्दों के, अभी शब्दों में गुणे मिले ना बरातनों के, नहीं पहुंचोगे मुझे तक सस जन्मों में। श्लोका कह रहे हैं कि मुझे उन लोगों पे दया आता है कि जो एक ऐसे पद के लिए लड़ रहे हैं जो कि छलावा है, जो कि इल्यूजन है, उस चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो कि जैसे कहते हैं कि आई एम रिप्रेजेंटिंग हिप हॉप, इस तरह करके आप सुनेंगे कि जो अभी जो जैसे कृष्णा और एमवे के बीच में जो भी स्टार्ट हुआ था, उन दोनों में था कि एक का कहना था कि तुम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो हिप हॉप को, एक कह रहा है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हिप हॉप को, है कि देखो ऐसा है, सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिप हॉप को, और इस चीज के लिए लड़ना बंद करो कि हम एनीवे स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार कह रहे हैं कि वो सब छोड़ो, उन सब के लिए नहीं लड़ा करो, सब हिप हॉप जैसे बना है जिस चीज के लिए वो चीज ज्यादा। हर खंड है भगवान पर अर्पण करो, नित्य शब्द से नर्तक बने जब कर जन करता करदन, मेरा सब दंग सभा में दर्शक गण पला बड़ा है लाल पर चला कर खा, जब पता ना हो पा थोड़ा बजा कम काल, चल लगा कोई चाल चल चला कोई चाल, अब भला छोड़े गला और कला बने काल, मेरे गिरने की कितनों की इच्छा अधूरी है, उनके लिए जिन्हें दिखता ना खूबिया, वे पहले समझ फिर कर टिप्पणी, मुझे सुनने के लिए है शिक्षा जरूरी, यहाँ नागरिक तुम्हें अनुवांशिकता हूँ, मिले हार्दिक प्रेम मैं सवार लिखता हूँ, भले धार्मिक सा हूँ पर तार्किक महाभारत।
बेसिकली ब्रिज जो पार्ट है उसमें से वाटर साइकिल को बताने का कोशिश की। साइकिल में क्या होता है कि पहले बादल बना, वहां से फिर बारिश हुआ, जमीन पे आया, फिर हीट हुआ, मतलब सूर्य से हीट हुआ, फिर वो इवापोरेट हुआ, इवापोरेट से फिर वो बादल बना, फिर बरसेगा। तो ये जो वाटर साइकिल जो चलते रहता है, इसी प्रकार लाइफ का अप्स एंड डाउन फेज होता है कि तुमको। और इसमें से दो तीन चीज को हमको लगता है इसमें दिखाने का ट्राई किया कि जीवन में जो है अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, तो ये दोनों चीज टेम्पररी है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें हमेशा दुख या हमेशा सुख मिलेगा। और दूसरा चीज ये है कि तुम अभी कुछ कार्य करेगा उसका तुमको परिणाम कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे वो देखे बताएं कि ये ज्यादातर रहने वाला है लाइफ के बारे में, तो हम लाइफ की चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोका रिलीजियस थॉट, मतलब रिलीजियस है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिलीजियस है, रिलीजियस के साथ साथ वो क्या है, वो लॉजिकल भी है, वो लॉजिकल भी है और रिलीजियस भी है, दोनों बहुत बड़ी चीज है ये। हाँ, कहते हैं कि भगवान शंकर जब तांडव करते तो पूरा वाइब्रेट करता है, मानो कि गरज रहा है। तो उस कुछ उस प्रकार से ये भगवान शंकर को उन्हीं का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं भगवान शंकर को समर्पित करने का, कुछ इस प्रकार से। गरज वाले रूप को देख के ना सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि भाई ये सब ये क्या है, ये क्या नया रूप आ गया, समझ रहे हो। तो सारे लोग चौंक जाते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती है सबकी, भाई ये नया चीज सुनने को मिल रहा है, ये बवाल सहलिए। क्योंकि जब हसल में सब जब श्लोका को सबने सुना था तो वो सब अचंभित रह गए थे। कि रफ्तार भाई ने भी शॉर्ट आउट किया था कि अगर मुझे कोई पूछे कि हिंदी रैपर क्या है इंडिया में, तो वो सबसे पहले श्लोका का नाम लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से वैसे भी डिजर्व करते हैं श्लोका इस चीज को। कुछ वो अपने चाहने वाले तो बेसिकली नहीं, मीन्स उनके जो नीचे गिराना चाहते हैं, और कुछ हेटर्स जो है, क्योंकि सबके हेटर्स होते हैं और कुछ बोलने वाले होते हैं, तो कुछ प्रकार